नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु भाना, मैं कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन हूँ और मैं इंदौर शहर में अपनी सेवाएं देती हूँ। आज मैं जो अपना वीडियो में आपको स्ट्रोक के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। स्ट्रोक जिसे सामान्य भाषा में लकवा या पक्षाघात कहते हैं, कभी भी आपने सुना होगा अपने घर परिवार में या अपने रिश्तेदारों में किसी को लकवे की असर आई है या पैरालिसिस हुआ है ना, जिसमें मुंह टेढ़ा हो जाना, हाथ में कमजोरी आ जाना, चल नहीं पाना, ये सारी दिक्कतें होती है। तो उसी स्ट्रोक के बारे में आज हम कुछ बेसिक जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। स्ट्रोक का मतलब होता है जब भी ब्रेन का फंक्शन या ब्रेन का काम, दिमाग का काम एकदम से स्थगित हो जाए। स्ट्रोक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, इश्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। जो हमारे दिमाग की नसें उनको खून सप्लाई करती है, यदि वो खून की नसों में किसी वजह से रुकावट आ जाए या वहाँ पे कोई क्लॉट बन जाए जिसकी वजह से ब्रेन के कुछ पार्ट को खून और ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, तो उतना हिस्सा ब्रेन का डैमेज हो जाता है और उस वजह से जो लकवा या पक्षाघात आता है उसे हम बोलते हैं इश्चेमिक स्ट्रोक। और यदि उसी खून की नस में खून का दबाव या रक्तचाप बढ़ जाने की वजह से यदि वो फट जाती है तो होता है हेमरेज या ब्लीडिंग, और इसकी वजह से जो स्ट्रोक होता है उसे हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो बेसिकली जैसे किसी भी पाइप में यदि पानी एक रेट से जा रहा हो और यदि उसमें दबाव बढ़ जाए तो वो नली या पाइप फट सकती है, वैसे ही दिमाग की नस में भी यदि हमारा ब्लड प्रेशर बहुत अधिक हो तो बीपी अधिक होने की वजह से खून की नस फट सकती है और हेमरेज हो सकता है। तो दो तरह के लकवा या स्ट्रोक होते हैं, इश्चेमिक स्ट्रोक यानी कि खून की नस ब्लॉक होने की वजह से, खून ना मिलने की वजह से काम नहीं होना, और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक जो कि होता है खून की नस फट जाने की वजह से। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये दो अलग अलग टाइप के जो स्ट्रोक होते हैं, हमें ये जानना क्यों ज़रूरी होता है कि दोनों में से कौन सा प्रकार है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग तरह से होती है। जो इश्चेमिक स्ट्रोक होता है उसमें हम खून पतला करने की दवाई देते हैं लंबे समय के लिए, और जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है उसमें हम बीपी कम करके आगे और हेमरेज ना बढ़े और उस हेमरेज की वजह से जो भी ब्रेन को डैमेज है उसमें और हम कमी कैसे लाए उस दिशा में काम करते हैं। तो इसके लिए हमें इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना यानी कि दोनों में डायग्नोसिस बनाना कि कौन सा टाइप का स्ट्रोक है, ये करना ज़रूरी है। आपको या आपके घर परिवार में या आपके आसपास किसी भी इंसान को स्ट्रोक का अटैक आया है वो हम कैसे जानेंगे। जैसे हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक में क्या होता है, सीने में दर्द होता है, तो लोगों में इतनी जागरूकता है कि सीने में दर्द होता है तो हार्ट अटैक आता है, वो तुरंत अस्पताल जाते हैं। पर जब ब्रेन का अटैक आता है जिसे हम स्ट्रोक बोलते हैं, तब लोगों में इतनी जागरूकता नहीं होती है, वो तुरंत अस्पताल नहीं पहुंचते हैं, ट्रीटमेंट लेने में डिले हो जाता है। तो हमें लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको स्ट्रोक आया है आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको एक निमोनिक याद रखना पड़ेगा जिसे बोलते हैं BFAST, मतलब यदि किसी का बैलेंस नहीं रहे, चक्कर आने लगे अचानक, E for eye यानी कभी यदि आपकी रोशनी में आधा हिस्सा आपको दिखना बंद हो जाए या डबल डबल दिखने लग जाए, या F यानी फेस मतलब मुंह टेढ़ा हो जाना, ऐसे टेढ़ा हो जाए, A यानी आर्म हाथ ऊपर करने में कमजोरी आए, हाथ में पकड़ में आपकी कमजोरी लगे आपको, या S यानी स्पीच आवाज़ आपकी तुतलाने लगे, बोली साफ ना आने दे, तो ये सारे लकवे के प्रारंभिक लक्षण होते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे, यदि हम बैलेंस नहीं बना पा रहे, गिर जा रहे हैं अचानक से, या डबल डबल दिखने लगा है, या आधी रोशनी आपकी चली गई है, या फिर आपका मुंह टेढ़ा हो गया है अचानक से, आवाज़ में तुतलापन आ गया है, या फिर आपको हाथ पैर में कमजोरी आ गई है, आप नहीं चल पा रहे, आप चीज़ नहीं उठा पा रहे, तो ये सारे लकवे के प्रारंभिक लक्षण हैं। तो इस प्रकार के लक्षण यदि आपको आते हैं या आपके घर परिवार में किसी को भी आते हैं तो ये इमरजेंसी है। जो नेमोनिक मैंने आपको बताया बी फास्ट, उसका लास्ट लेटर है टी यानी टाइम, सो टाइम इज़ ब्रेन। एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक एक सेकंड में हम बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स यानी दिमाग के जो कोशिका है उनको बचा सकते हैं। तो इमीडिएटली आपको ऐसे अस्पताल में जाना चाहिए जहाँ पे सीटी स्कैन की फैसिलिटी हो, जहाँ पे ट्रेंड ICU स्टाफ हो,
और जो लोग स्ट्रोक को मैनेज करने के लिए अच्छे से ट्रेंड हो, ऐसे अस्पताल में आपको तुरंत जाना चाहिए। तो आइए अब हम इस वीडियो को एक बार समराइज कर दें। मैंने आपको स्ट्रोक, लकवा या पक्षाघात के बारे में जानकारी दी, जिसके दो प्रकार होते हैं, इश्चेमिक यानी खून का बहाव रुक जाना या अटक जाना जिसकी वजह से दिमाग काम ना कर पाए, या फिर खून की नस फट जाए जिसकी वजह से हेमरेज हो जाए तो उसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहेंगे। तो ये दो प्रकार के स्ट्रोक हो गए। दूसरी बात, हमने बात की कि क्या क्या लक्षण होंगे, तो आपको तुरंत अस्पताल जाना है, जो आप अपने में या अपने आसपास के लोगों में इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो ये लक्षण है, या तो आपका बैलेंस गड़बड़ाए, या आपको देखने में कोई अचानक से दिक्कत आ जाए, डबल डबल दिखाई दे, आपको चेहरे पे कोई टेढ़ापन दिखे, आवाज़ में तुतलाहट लगे, या हाथ या पैर में कमजोरी लगे, ऐसे कोई भी लक्षण हो तो आपको तुरंत ऐसे अस्पताल का संपर्क करना चाहिए जहाँ पे सीटी स्कैन की फैसिलिटी हो, ट्रेंड आईसीयू स्टाफ हो। यदि आप इन लक्षण को टाइम पे आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो आज साइंस में ऐसी दवाइयाँ है, मेडिसिन में ऐसी दवाइयाँ है जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं, इस दिक्कत को रोक सकते हैं या फिर आगे बढ़ने से बचा सकते हैं और मरीज को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। तो आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, अपनी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। आज के दौर में ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध है जो शुरुआत के समय में यदि दे दी जाए तो वो जो क्लॉट, जो नस ब्लॉक हो जाती है, खून की नस, उसे वो खोल देती है और ब्रेन वापस से काम करने लग जाता है। तो वो जो कमजोरी है, आवाज़ में तुतलापन है, मुंह में टेढ़ापन है, वो सारे ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार के कोई भी लक्षण यदि आप पाते हैं तो आपने घबराना नहीं है और तुरंत एक सीटी स्कैन युक्त अस्पताल में जाना है जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट, ट्रेन न्यूरोलॉजिस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। न्यूरोलॉजिस्ट स्ट्रोक को ट्रीटमेंट करने में विशेषज्ञ होते हैं। तो अंत में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। धन्यवाद।